फतेहपुर जिले के जिला कारागार में अचानक डीएम और एसपी की छापेमारी से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। छापेमारी लगभग 2 घंटे तक चली। यूं तो इस छापेमारी में जेल के अंदर सब कुछ ठीक पाया गया, लेकिन इलाहाबाद जिले के एक कैदी से मिलने आए एक युवक की जेब से तलाशी के दौरान मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। आज जिला कारागार का पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण में जो आपके जेल सुरक्षा से संबंधी और उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए उसके बिंदुओं की गहनतापूर्वक जांच की गई है। और उसमें सर मदद पदार्थों की यहाँ भी बिक्री होने की बात आती है सर। जब जेल इंस्पेक्शन जो किया गया है उसमें जेल के अंदर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक वस्तु या कोई मादक पदार्थ नहीं प्राप्त हुआ है। जब ये जेल के प्राथमिक गेट पर ही सघन तलाशी की जा रही थी तो एक व्यक्ति है विकास तिवारी जो उसके जो इसमें जेल में बंद है रजनीश अपराधी है इलाहाबाद का, उसको गांजा पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा था जिसको प्राथमिक गेट पर ही उसकी जो है जब्ती कर ली गई है। इस संबंध में जेल प्रशासन को कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है और इसका जो मॉनिटरिंग हो उसके लिए एक व्यवस्था निर्देशित की गई है कि इस तरह के जो भी प्रशासनिक आधार पर स्थानित अपराधी हैं या जो गंभीर अपराधों में इधर बंद हैं उनसे जो मुलाकात करने आते हैं उन मुलाकातियों का अनिवार्य रूप से मोबाइल नंबर और एड्रेस का पुलिस थाने के द्वारा वेरिफिकेशन कराया जाए और इन तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जाए कि वो लगातार अगर एक बार कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है इन अपराधियों से तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर संगठित अपराध उनके द्वारा किया जाए। निरीक्षण के दौरान जेल में सब कुछ ठीक ठाक हालात में मिला। गौरतलब है कि हाल ही में उन्नाव जेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैदी रिवॉल्वर लहराते हुए दिखे थे। इस वीडियो ने पुलिस की काफी किरकिरी कराई। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए जेलों में औचक निरीक्षण के जरिए जेल के हाल का जायजा लिया जा रहा है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।